ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रकारी भानु सजीवो मिसुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांति करा भवन्तु नवग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आज मैं आपके समक्ष हूं मकर राशि वालों के संबंध में बात करने के लिए। मकर राशि शनि प्रधान राशि होती है और शनि प्रधान राशि होने के कारण से आजकल आपके शनि जो हैं वो द्वितीय भाव में चल रहे हैं, कुंभ राशि के होकर चल रहे हैं। शनि मंगल की युति पिछले करीब 1.5 महीने से यहाँ चल रही थी और ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रही थी, आपकी सेविंग्स को भी हर्ट कर रही थी और अननेसेसरी का जीवन में परिवार में क्लेश उत्पन्न कर रही थी। पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा, पूरे विश्व में जो पिछले करीब 60 दिनों का 1.5 महीने का आप हिसाब किताब देखेंगे तो वहाँ स्थिति इस प्रकार से रही, विस्फोटक रही। कई प्रकार के क्लैश हुए, कई प्रकार की आतंकवादी घटनाएँ हुई, प्राकृतिक आपदाएँ आई। वो सूर्य राहु की युति भी चल रही थी और मंगल शनि की युति भी चल रही थी। अब 23 अप्रैल से शनि और मंगल अलग हो रहे हैं। शनि का शुभ प्रभाव आप पर, देखिए शनि आपकी राशि के अनुसार से लग्नेश हैं और शनि आपके 30 साल बाद जिस भाव में आए हैं, धन भाव में आए हैं, ये बहुत बढ़िया सुंदर कार्य करने के लिए योग बना रहे हैं और 1 वर्ष तक अब सुंदर तरीके से लास्ट में यहाँ रहने वाले हैं। 7.5 चल रही है आपकी और 7.5 का प्रभाव भी है, तो ऐसे में अननेसेसरी इस समय में शनि को आने जो दुष्प्रभाव करना था वो कई प्रकार से परेशान करने का योग बनाया। अब शनि महाराज पूरी तरह से जाती हुई 7.5, और शास्त्र में कहा जाता है कि जाती हुई 7.5 कहीं ना कहीं लाभ देकर जाती है। आपके शनि लग्नेश हैं और 7.5 का प्रभाव तो है और वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं परिवार में परेशानी लाने की, चिंता लाने के योग बनाता है, वो ऐसा दिखाई देता है अननेसेसरी के चलते हुए, क्योंकि शनि महाराज की जो बैठने के स्थान द्वितीय भाव में है उनका प्रभाव स्वभाव भी इस प्रकार का है और ये जो अननेसेसरी का जो विशेष तौर पर समस्याओं का कारण है वो विशेष तौर पर अब बदलने को दिखाई देता है। तरक्की के योग बताई देंगे, परिवर्तन का योग दिखाई देगा। शनि पूरी तरह से अब जाते हुए महाराज आपको बहुत लाभ देने के योग, अच्छे से आगे बढ़ने के योग, मान सम्मान बढ़ाने के योग और कई प्रकार के रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का रास्ता आपके समक्ष उत्पन्न करते दिखाई देंगे। मंगल का परिवर्तन होकर मीन राशि में जाना, ये थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी का वजन बढ़ने की शिकायत आप देख सकते हैं इन दिनों, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं आलस ज़्यादा ना हो जाए और ज़्यादा आलस होने के कारण से ये थोड़ा सा वजन का आपको ध्यान रखना होगा। रक्त संबंधित रोग ध्यान रखने पड़ेंगे आपको विशेष तौर पर, ये शनि मंगल का जो युति हटी है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए कई प्रकार के लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति और सूर्य की युति इन दिनों जो विशेष तौर पर जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है आपके चतुर्थ भाव में चल रही है, ये भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी दिखाई दे रही है। बस स्वास्थ्य का, पेट का और खान पान का थोड़ा ध्यान रखते हुए यदि आपने कार्य कर लिया तो ये जो युति हटी है ओवरऑल आपके लिए ग्रोथ की दिखाई देती है। अब बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और अब देखिए अभी बृहस्पति का जो बहुत जल्दी परिवर्तन होने का योग बन रहा है, ये विशेष तौर पर आपके पंचम भाव में बनेगा और शुरू में थोड़ी देर के लिए 1 महीने के लिए अस्त रहेंगे, लेकिन उसके बाद बृहस्पति का भी पूर्ण प्रभाव शनि के विशेष तौर पर दृष्टि से बाहर आने का योग बनेगा, वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। तो ओवरऑल हमको दिखाई देता है कि ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से मकर राशि वालों के लिए ये शनि की 7.5 का अंतिम पीरियड और ये 24 का मध्यकाल से लेकर अंतिम तक और 25 के काल तक बहुत अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ, लाभ से भरा हुआ समय आता दिखाई दे रहा है और सुंदर तरीके से इस समय को समझते हुए आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कुछ खास मामलों में जहां हिदायतें दी गई हैं उनका ध्यान रखते हुए कर लीजिए, तो ओवरऑल दिन हमें अच्छे दिखाई देते हैं, ये वारे न्यारे करने के दिन बनते दिखाई दे रहे हैं, तो विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए स्थितियाँ अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं। बीच में कुछ दिन के लिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अभी शुक्र का परिवर्तन भी होने वाला है और 4 दिन बाद शुक्र अस्त भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक चतुर्थ भाव में बुद्धि का स्वामी शुक्र दैत्य गुरु और विशेष तौर पर देव गुरु दोनों एक साथ युति बनाएंगे सूर्य के साथ, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद अस्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन दिनों विचारों में द्वंद्वता लाने के योग दे सकते हैं। तो शांत भाव से यदि विचार स्थिर होकर काम करने का प्रयास करोगे तो ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है आपके लिए, लाभ का समय ओवरऑल दिखाई देता है, तो इस समय का लाभ आपको लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वो धन का मामला हो उसमें भी लाभ होने के योग दिखाई देंगे, सम्मान के मामले में भी लाभ होने के योग दिखाई देंगे, पद प्राप्ति के संबंध में भी लाभ होने के योग बनते दिखाई देंगे। और विचार कीजिए पूरी जन्मपत्री, आमतौर पर हम पूरी जन्मपत्री को अच्छे से समझना इसलिए चाहते हैं कि उसके द्वारा पूरा ओवरऑल स्थिति समझ में आती रहती है कि किनके लिए कौन सा ग्रह शुभ है भी कि नहीं। कई बार क्या है, बृहस्पति महाराज को हम शुभ ग्रह मानते हैं लेकिन जन्मपत्री में वो क्या विषय पर कार्य कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, किस
प्रकार के योगा योग का निर्माण कर रहा है आपकी जन्मपत्री में। कहाँ चंद्रमा का, जैसे तो रोज पदार्पण होता है, लेकिन कहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में केमुद्रम इत्यादि योग तो नहीं बना रहा है, उनका लिए कैसे परिवर्तन का योग बनाना है, क्या क्या स्थिति ग्रहों की है और कौन कौन से खास उपाय कर उन ग्रह स्थिति को परिवर्तन करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं, वो खास तौर पर जान लेना चाहिए। और हमारा ये संस्थान विशेष तौर पर लगातार ऐसे ज्योतिष के बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे शोध कर बहुत सारी पुस्तकें भी लगातार छापने का प्रयास करता ही है, बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे आश्रम पर नित्यपति यज्ञ भी चलते हैं, उन सब में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है, हर मंगलवार को विशेष तौर पर भगवान का स्तवन होता है, माँ दुर्गा की सिद्ध प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से आकर यहाँ प्रतिष्ठित है। आज आचार्य श्री केशवदेव जी की के द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई 1960 के आसपास, और तब से विभिन्न पराविद्याओं के विषय पर हम लगातार कार्य करते रहते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो विशेष तौर पर और भी योग इत्यादि, ज्योतिष इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि, इन सब पर हॉस्पिटल भी है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का 100 बेड का हॉस्पिटल है, गौशाला है आश्रम के अंदर। दिल्ली जैसे क्षेत्र में लगातार हम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से ये सुंदर कार्य अध्यात्म के संबंध में कार्य यहाँ से करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सब लोग हमारे आश्रम से जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल है जो आश्रम में कार्यरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर हम समय समय पर विशाल कार्यक्रम करते रहते हैं। और आप सब भी हर जो यज्ञ इत्यादि में भाग लेना चाहते हैं तो रविवार का एक दिन हमने जनरल सबके लिए रखा हुआ है, यहाँ पर हर रविवार को सुबह 8 से लेकर करीब करीब 10 बजे तक विशाल भंडारे के साथ ये कार्यक्रम चलता है, तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित होकर माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर दिव्य यज्ञ का आनंद लें, और देखिएगा भारतीय संस्कृति में यज्ञ के द्वारा अद्भुत लाभ कैसे मिलते हैं, उस सब संबंध में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो जुड़िए विवेकानंद योग आश्रम से। धन्यवाद, नमस्कार।